वेलकम बैक टू अरोड़ा आईएएस। फॉर लेटेस्ट अपडेट एंड फ्री क्वालिटी कंटेंट आप हमें अरोड़ा आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं एंड टू परचेज द करंट अफेयर टेस्ट सीरीज यू कैन विजिट ऑन अरोड़ा आईएएस वेबसाइट दैट इज www.arodaies.com। अगर आप इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं देन यू कैन चेक इट ऑन फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन। सो आज हम अपना पॉलिटी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट टाइम जो प्रीएम्बल है उसको अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में देखा गया था। एन के पालकीवाला जो हमारे एमिनेंट जूरिस्ट थे उन्होंने प्रीएम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। पंडित नेहरू जी द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किए गए थे और ये प्रीएम्बल उन्हीं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मॉडिफाइड वर्जन था। फर्स्ट टाइम प्रीएम्बल को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में अमेंड किया गया था और उस अमेंडमेंट से प्रीएम्बल में तीन न्यू वर्ड्स दैट इज सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी को ऐड किया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल। टेक्स्ट स्टार्ट होता है द पीपल ऑफ इंडिया से, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया दैट इज हम भारत के नागरिक हैविंग solemnly resolved to constitute India, यानी कि हम भारत के नागरिक एकजुट होकर इंडिया को सोवरेन बनाएंगे, सोशलिस्ट बनाएंगे, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक बनाएंगे और यहाँ के हर सिटीजन को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रटर्निटी इंश्योर करेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया, इनैक्ट किया गया एंड खुद को यानी कि गिव टू आर सेल्फ डेट इज खुद को दिया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रीएम्बल, यानी कि प्रीएम्बल किस किस चीज से बना है। फर्स्ट है सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपने देखा हो तो प्रीएम्बल जो स्टार्ट हो रहा है दैट इज फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि लोगों से, हम भारत के नागरिक, यानी कि इसका सोर्स क्या हुआ फिर द पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, यानी कि इंडिया की जो स्टेट्स होंगी उसका नेचर कैसा होगा, वो सोवरेन होंगी, सोशलिस्ट होंगी, सेकुलर होंगी, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। थर्ड है ऑब्जेक्टिव, यानी कि प्रीएम्बल का ऑब्जेक्टिव क्या है। फर्स्ट है हर सब जितने भी इंडिया के सिटीजन्स हैं सबको जस्टिस देना, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रटर्निटी। और जो हमारा प्रीएम्बल है 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट हम अब देखते हैं कीवर्ड्स ऑफ द प्रीएम्बल। जो फर्स्ट कीवर्ड है दैट इज सोवरेन, यानी कि जो हमारी कंट्री है वो सोवरेन कंट्री है। इट इज़ नाइदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी नेशन, यानी कि इंडिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, वो किसी की स्टेट पे डिपेंड नहीं है और ना ही किसी अदर नेशन का डोमिनियन है, यानी कि उसको अपने फैसले लेने के लिए किसी और कंट्री की, किसी और नेशन की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। बेशक 1949 में हमने ये डिक्लेयर कर दिया था कि जो इंडिया है वो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का मेम्बर रहेगा, बट इस बात ने इंडिया की सॉवरेनिटी पे कोई भी अफेक्ट नहीं डाला। सो फर्स्ट हम देखते हैं कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन होता क्या है। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन उन कंट्रीज का ग्रुप्स हैं जो कंट्रीज ब्रिटिश के कैद में रह चुकी थी। नेक्स्ट जो है इंडिया जो था यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का भी मेम्बर था, बट इस बात से भी इंडिया की सॉवरेनिटी पे कोई भी असर नहीं था। Being a sovereign state, India can either acquire a foreign territory or cede a part of its territory in favor of the foreign state. यानी कि sovereign, as a sovereign state, जो इंडिया है वो किसी भी foreign territory को acquire कर सकता था और किसी भी foreign state को अपनी territory दे सकता था। Next जो हमारा keyword है that is socialist. बेशक इस socialist word को 42nd constitutional amendment 1976 में ऐड किया गया था, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी सोशलिस्ट कंटेंट था इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो इंडियन ब्रांड है सोशलिज्म का वो एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ना कि कम्युनिस्ट सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मीन्स
कि मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी कि पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों ही साइड बाय साइड एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि सारा जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में नहीं है, सिर्फ जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, बाकी जो है प्राइवेट कंपनीज भी वहाँ पे काम करती हैं। बट कम्युनिस्ट सोशलिज्म में क्या होता है कि जितना भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सारा पब्लिक की प्रॉपर्टी होता है और प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं होती वहाँ पे। नेक्स्ट है सेकुलर। सेकुलर जो वर्ड है इसको भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 76 से ऐड किया गया था। तो 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बेशक जो सेकुलर वर्ड है वर नॉट एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट देर इज नो डाउट दैट कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वॉन्ट टू एस्टेब्लिश सच स्टेट। उन्होंने कहा कि बेशक जो सेकुलर स्टेट वर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं दे रखा, बट जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो ऐसी ही स्टेट बनाना चाहते थे जो सेकुलर हो। इसी के कारण आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक गारंटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को ऐड किया गया। जो इंडिया का सेकुलर कॉन्सेप्ट है वो एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, यानी कि इंडिया में हर धर्म का सेम स्टेटस है, उनको सेम रिस्पेक्ट दी जाती है, धर्म के नाम पे किसी के साथ भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाती। नेक्स्ट देखते हैं डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब है सुप्रीम पावर बाय द पीपल, दैट इज जस्ट पावर है वो सारी लोगों के पास है। डेमोक्रेटिक टू टाइप्स की होती है, फर्स्ट इज डायरेक्ट एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज जिसमें पीपल जो है यानी कि लोग उनके पास सुप्रीम पावर होती है, जैसे कि स्विट्जरलैंड में होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के 4 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं लोगों द्वारा चुने गए उनके पास सुप्रीम पावर होती है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है और ये 2 टाइप्स की होती है, प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री। और इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, यानी कि इसमें क्या होगा कि जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर को अपनी पॉलिसीज के लिए और अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट कीवर्ड है रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक पॉलिटी 2 टाइप्स की होती है, फर्स्ट इज मोनार्की एंड सेकेंड इज रिपब्लिक। मोनार्की में जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो हेरिडिटरी पोजीशन में होता है, जैसे कि ब्रिटेन, यानी कि जैसे मान लीजिए सबसे पहले राजा जो था वो गद्दी पे बैठा था, उसके बाद आगे उसका बेटा या बेटी। बट रिपब्लिक में क्या होता है, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो इलेक्टेड होता है, जैसे कि यूएसए में। इंडिया हैज़ अ इलेक्टेड हेड कॉल्ड द प्रेसिडेंट। जो हमारा हेड है इंडिया का वो इलेक्टेड है एंड ही इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। और जो प्रेसिडेंट है उसको हम इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, यानी कि जो हमारे द्वारा रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं फॉर द 5 ईयर्स। रिपब्लिक पॉलिटी में जो पावर है वो एक सिंगल पर्सन के पास नहीं होती और द एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास, यानी कि किसी भी सेक्शन को कोई प्रिविलेजेस नहीं दी जाती और हर सेक्शन को, हर सिटीजन को पब्लिक ऑफिस में जाने की परमिशन होती है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं जस्टिस। जस्टिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन एंड सेक्स, यानी कि किसी भी सिटीजन के साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, उनको इक्वल ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस में क्या होता है कि इकोनॉमिक फैक्टर्स के बेसिस पर किसी भी पीपल के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इट ऑल्सो इन्वॉल्व द एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटी इन वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी। मतलब सबके पास सेम वेल्थ होनी चाहिए, सेम इनकम एंड सेम प्रॉपर्टी। सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस मिलके डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को बनाते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल जस्टिस।
पॉलिटिकल जस्टिस मतलब कि हर सिटीजन के पास इक्वल पॉलिटिकल राइट है टू एक्सेस ऑल पॉलिटिकल ऑफिस, यानी कि वो जब भी चाहें पॉलिटिकल ऑफिसेस में आ जा सकते हैं। सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस का कॉन्सेप्ट रशियन रिवॉल्यूशन 1917 से लिया गया था। नेक्स्ट है लिबर्टी। लिबर्टी यानी कि आज़ादी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? दैट इज एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंस ऑन द एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि जो इंडिविजुअल है, जो नॉर्मल पीपल है, उन पे किसी भी बात पे रिस्ट्रेंस नहीं लगाया जाता, तो उसको हम लिबर्टी कहते हैं। और लिबर्टी देने का मेन मकसद क्या होता है? टू डेवलप देयर पर्सनैलिटी, ताकि उनकी जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप हो सके। एंड लिबर्टी इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम, यानी कि इंडिया की डेमोक्रेसी के अच्छे फंक्शन के लिए भी लिबर्टी का होना बहुत ज़रूरी है। बट लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि आपको लाइसेंस मिल गया कि आप जो करना चाहो वो कर सकते हो। आपको लिबर्टी तो दी जाती है बट विद सम लिमिटेशंस। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का जो कॉन्सेप्ट है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी में किसी भी सेक्शन को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दी जाएंगी एंड सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इक्वालिटी 3 टाइप्स की होती है, दैट इज सिविक्स, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। नेक्स्ट है फ्रेटर्निटी, मतलब भाईचारा। फ्रेटर्निटी हमें क्या सेंस देता है? मीन्स अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, दैट इज भाईचारा। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट दिस फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी बाय द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। कॉन्स्टिट्यूशन में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट जो है वो फ्रेटर्निटी की फीलिंग को प्रमोट करता है। फ्रेटर्निटी जो है वो 2 चीज़ें श्योर करती है। फर्स्ट, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड सेकेंड, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। जो इंटेग्रिटी वर्ड है इसको प्रियम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल। प्रियम्बल जो है इसमें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, फाउंडिंग फादर्स थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनका ड्रीम क्या था, उनके एस्पिरेशंस क्या थे, वो रिफ्लेक्ट होते हैं। सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, उन्होंने क्या कहा कि जो प्रियम्बल है वो हमें बताता है कि हमारे थॉट्स क्या थे और हम क्या ड्रीम कर रहे थे। के एम मुंशी कहते हैं कि जो प्रियम्बल है वो हॉरोस्कोप है ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री का। नेक्स्ट, पंडित ठाकुरदास भार्गव कहते हैं कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीशियस पार्ट है और वो सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का एंड की है वो कॉन्स्टिट्यूशन की, एंड इट इज़ द ज्वेल सेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या फिर नहीं। फर्स्ट टाइम बेरोबारी यूनियन केस 1960 में ये बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई थी कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। देन सुप्रीम कोर्ट सेड कि जो प्रियम्बल है शोज द जनरल पर्पस बिहाइंड द सेवरल प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दे रखे हैं उनका पर्पस क्या है वो हमें प्रियम्बल बताता है। एंड ऑल्सो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उनके माइंड में क्या था ये भी हमें प्रियम्बल ही बताता है। मान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा वर्ड यूज़ किया गया है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ऐसी जो प्रोविजंस है, तो आप उसको प्रियम्बल की लाइट में इंटरप्रेट कर सकते हैं। इतना सब होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। देन केशव नंदा भारती केस 1973 में कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि हमने जो पहले ओपिनियन दी थी हम उसे रिजेक्ट करते हैं और न्यू ओपिनियन देते हैं जिसमें हम कहते हैं कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करना चाहते हो और आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ समझ में नहीं आ रहा तो देन यू कैन इंटरप्रेट इट इन द लाइट ऑफ प्रियम्बल। LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से यही कहा कि जो प्रियम्बल है
वो इंटेग्रल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रियम्बल जो है वो नॉन जस्टिशियबल है एंड प्रियम्बल इज ऑल्सो नॉन एनफोर्सेबल। नेक्स्ट हम देखते हैं अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल, यानी कि क्या हम प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम जो था केशव नंदा भारती केस में उठाया गया कि वेदर द प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर द आर्टिकल 368, यानी कि क्या हम आर्टिकल 368 के अंदर प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं। देन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है एंड प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड, बट जो इसका बेसिक फीचर है वो अमेंड नहीं होना चाहिए आर्टिकल 368 के अंदर। और कॉन्स्टिट्यूशन को अब तक सिर्फ एक बार ही अमेंड किया गया है, दैट इज इन 1976 बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और इस अमेंडमेंट एक्ट से प्रीएम्बल में 3 न्यू वर्ड्स को ऐड किया गया, दैट इज सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी। तो यहाँ पे हमारा जो फोर्थ चैप्टर है प्रीएम्बल वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।